Very good morning to all of you. My topic is object-oriented programming and methodology, subject. This is a class third semester topic. Subject code is CS305. Unit 1, introduction of object-oriented thinking and object-oriented programming. Today's topic is features of object-oriented methodology. Last time I already complete the abstractions and encapsulations. In this video I will cover inheritance and polymorphisms. Inheritance C++. पहले ये समझते हैं कि inheritance होता क्या है और उसकी क्यों requirement पड़ी. The capability of class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. पहला point कह दिया है जो क्लास की जो कैपेबिलिटी है और जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो डिराइव की जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किया जाता है फ्रॉम अनदर क्लास के द्वारा और इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस. मतलब क्लास ए क्लास बी क्या करता है, क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, इनहेरिट करता है. इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स और चाइल्ड, तो चिल्ड्रेन क्या करता है, इनहेरिट करता है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट्स की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की. दिस आर कॉल्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, कई बार बोलते हैं ना इनहेरिटेंस इनहेरिट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ ऐसे गुण क्वालिटीज जो पेरेंट्स की होती है वो कहीं ना कहीं वो उस बच्चे में आ जाती है. ठीक है ना, तो हेरिडिटी बोलते हैं एक प्रकार से. तो दिस इज द सेम थिंग फॉर इनहेरिटेंस. है ना, तो सब क्लास और सुपर क्लास क्या होता है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द क्लास जो डेट इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज को फ्रॉम अनदर क्लास से इज कॉल्ड अ सब क्लास और ए डिराइव क्लास. द क्लास वो कौन सी, वो क्लास जो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज को फ्रॉम अनदर क्लास, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है ना, वो सब क्या कहते हैं, सब क्लास कहते हैं या तो डिराइव क्लास कहा जाता है. सुपर क्लास द क्लास जो हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड अ बेस क्लास और या सुपर क्लास. वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज को डिराइव क्लास या सब क्लास के द्वारा ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस क्लास कहेंगे या तो हम क्या कहेंगे, उसे सुपर क्लास कहेंगे. ठीक है ना, तो क्लियर है. मतलब क्लास ए इज अ बेस क्लास और ए सुपर क्लास, क्लास बी इज अ सब क्लास और या डिराइव क्लास कहा जाता है. क्लियर है पॉइंट. द आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब पॉइंट्स. ठीक है, अब आर्टिकल को डिवाइड किया, कुछ सब पॉइंट में डिवाइड कर दिया सब टॉपिक्स में. व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस, मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे. Why and when to use inheritance? Consider a group of vehicles. अब एक example यहाँ पे दिया है कि consider कीजिए एक group of vehicles है. You need to create class for bus, car and truck. आपने क्या किया, आपने क्या करा, create की class bus के लिए, car के लिए and truck के लिए. The method, fuel amount, capacity, apply brake. ये तीन आपने उसमें कुछ functions add किए. Will be the same for all the three classes. आप ये देखेंगे जब proper अगर ये जब check करेंगे तो bus में, car में और truck में ये तीनों functions क्या होते हैं, common होते हैं. Fuel amount, capacity and apply brake. This three function is common in these three vehicles, three type of vehicles. Car, bus, class car और class truck है. ये तीन अलग अलग vehicles हैं जिसमें हमने उनके functions को देखा, same function थे सब में. If we create these classes avoiding inheritance, then we have to write all these functions in each of the three classes. अगर हम मानते हैं, अगर हम inheritance concept को नहीं मानते हैं, तो ये जो तीन function जो add किए वो सही है. ठीक है ना, इन जब थ्री क्लासेस एज शो इन द बिलो फिगर, जो आपको दिखा वो सब सही है. ठीक है, ये तीनों functions जो आपने अलग अलग लिखे हैं और तीनों functions सही दिख रहे हैं. But you can clearly see that above process result is duplicate of same code three times. मतलब आपने क्या कहा, तीन ये जो लिखे हैं तीन फंक्शन अलग अलग लिखे हैं, आपने तीन बार इसको अलग अलग बार किया, मतलब डुप्लीकेट किया है. ठीक है, दिस इंक्रीज द चांस ऑफ एरर एंड डेटा रिडंडेंसीज. ठीक है ना, इसकी वजह से कोई ना कोई एरर जनरेट होगी, तो वो कौन सी होगी, या तो डेटा रिडंडेंसी की होगी या तो फिर दूसरी टाइप की कुछ एरर हो सकती है. ठीक है, तो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इनहेरिटेंस इज यूज. ये टाइप की जो कंडीशंस होती है, ये जो प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशन आती है, उसके लिए हम क्या करें, हम बचें और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें.
तो इफ़ यू क्रिएट अ क्लास व्हीकल, अब सबसे पहले कि अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्हीकल की क्लास क्रिएट करनी होगी एंड राइट दिस थ्री फंक्शन इन इट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों फंक्शन है जो उसको हमने तीन बार अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लिखे हैं, अलग अलग व्हीकल्स के लिए लिखे हैं, बट दीज आर द कॉमन एंड दीज आर द सेम, हम उसको क्या करेंगे व्हीकल के अंदर लिखते हैं, क्योंकि व्हीकल इट्स मीन्स फ्यूल कैपेसिटी एंड अप्लाई ब्रेक, ये थ्री फंक्शन इज कॉमन, ठीक है ना, तो ये व्हीकल के अंदर शो करेंगे इसको, ठीक है। इफ यू क्रिएट अ क्लास व्हीकल एंड राइट द थ्री फंक्शन इन इट एंड इनहेरिट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस फ्रॉम द व्हीकल क्लास, तो आपने व्हीकल के अंदर तीनों फंक्शंस को लिखना है और बाकी जो रिमेनिंग जो व्हीकल्स है उसको इनहेरिट करेंगे, मतलब डिराइव करेंगे बेस क्लास को, ठीक है। देन वी कैन सिंपली अवॉइड द डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा एंड इंक्रीजिंग रीयूजेबिलिटीज, ठीक है। तो लुक एट द बिलो डायग्राम, जो हम आपको बता रहे हैं डायग्राम कौन सा है, आप यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम भी देख सकते हैं, क्लास व्हीकल है जिसके अंदर तीनों की तीनों फंक्शंस हमने जो ऊपर लिखे थे तीन बार अलग अलग लिखने की कोशिश की थी, फ्यूल्स कैपेसिटीज एंड अप्लाई ब्रेक्स, उसको क्या कर दिया हमने व्हीकल्स के अंदर लिखा, और क्लास बस, क्लास कार और क्लास ट्रक, ये तीन अलग अलग जो क्लासेस है, दीज आर कॉल्ड दिस सुपर क्लास विल डायरेक्टली डिराइव द व्हीकल क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब है सुपर क्लास को कॉल करेगी तीनों सब क्लासेस। तो यूजिंग इनहेरिटेंस वी हैव टू राइट द फंक्शन ओनली वन टाइम्स इंस्टेड ऑफ थ्री टाइम्स, ठीक है। मैंने जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि तीन टाइम लिखने की जगह हमने कर दिया उसको एक बार ही लिखा। वी हैव इनहेरिटेड रेस्ट ऑफ द थ्री क्लासेस फ्रॉम बेस क्लास,